शेखपुरा ग्राम पंचायत के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु इस तरह की राशि घोटालेबाज डकार जाते हैं। बिना काम कराए इसी तरह के लूट का एक भंडाफोड़ स्वयं शेखपुरा के जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया है। सावन कुमार जब शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड अंतर्गत लुटौत गांव का औचक निरीक्षण करने गए तो इसका भंडाफोड़ हुआ और नाली, गली, नाला, चबूतरा और पुलिया का बिना निर्माण कराए ही लाखों रुपए की राशि मुखिया और विभागीय अधिकारी ने मिलकर डकार लिया। अब जिलाधिकारी ने इस पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 दिनों के अंदर DDC को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में नल जल योजना बंद पाया गया, जिस पर स्टार्टर ठीक करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। महेश्वर महतो के घर के पास 2018 की योजना में RCC और नाला का निर्माण कराए बगैर पैसे की निकासी कर ली गई थी। वहीं जिलाधिकारी के आने की भनक लगते ही शनिवार को नाला निर्माण शुरू करा दिया गया, जिसे जिलाधिकारी ने भांप लिया। इस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं 2018 की योजना में गांव के नकरी खंधा में इमली के पेड़ के चारों तरफ चबूतरा का निर्माण के नाम पर 3 लाख लगभग की राशि मनरेगा से निकासी कर ली गई, परंतु एक भी ईंट यहां नहीं मिला, निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। इसी तरह का मामला मसादी के टीका खंधा में सामने आया, जहां पुलिया का निर्माण 6 लाख से अधिक की राशि से होनी थी, परंतु पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया, राशि का बंदरबांट कर लिया गया। शौचालय में भी घोटाला देखने को मिला और बिना टंकी खोदाई ही शौचालय का निर्माण करा लिया गया। गेट, दरवाजे, पानी का ही व्यवस्था नहीं था, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में जदयू के नेता ब्रह्मदेव महतो की सहभागिता भी रही है। 15 सालों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत में मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में वे काम करते रहे हैं। जो भी है आप ही काम करवा रहे हैं? नहीं, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। मत दिमाग लगाइए ना, आप दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? कैसे शौचालय चलेगा बताइए? देखिए, 10 साल से टूटा फूटा है, इसमें भी देखिए कचरा धरा हुआ है। यहाँ खाना बनता है जरामन, आंगनबाड़ी बोला उसी में जरामन, ना गेट है ना कुछ है। नोटिस से क्या होता है जी? चलो पकड़ के जेल में डालो सर। नोटिस क्या होता है? पैसा भी नहीं दिए हैं, पैसा पूर्ण भी नहीं हुआ है। ये बहुत गंदा है। 3 लाख उसमें आपका 3 लाख रुपया निकला है। कहाँ गया पीओ जी? सर अभी जो चबूतरा देखे हैं उसका 2,48,000 निकला मटेरियल में और 71,000 रुपया निकला है लेबर में। 18 की स्कीम है, एक ईटा नहीं वहाँ पर। बड़ी घपला है, क्या कीजिएगा? वो बना जैसा जैसा सुन रहा है, क्या कीजिएगा? अभी हम जिला जाएंगे, तुम जाएगा थाना, ठीक है? कहाँ जाएगा तू? थाना जाएगा, पूरा एफ आई आर करो उस पर। सर ऐसा बात है, यहाँ नाम बदल कर योजना के अथी किया जाता है काम, उसी को दूसरा। अब आप लिख के दीजिए, देख लीजिए। देखें सर, और मनरेगा से बहुत सारी ऐसा योजना है जो सर नाम बदल दिया गया, जिसे उत्तरवारी मसाड़ी, ई मसाड़ी में है एक चाड़ है, उसका लाश गड़ने का जगह ने उसमें बिथिल रोक दिया गया है, उसको खेल मैदान के भेज नाम से पैसा निकाला है। हाँ तो पढ़ते वेबसाइट पर देख के बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे बात है। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? जो आदमी सरपंच भी है ना, उसका नाम से भी मनरेगा पैसा निकल रहा था, जब जांच कर रोक लगा बिछा रोक गलत देखिए, हम तो निकाल ले। हां तो सर व्हाट्सएप पे होगा तो निकाल के दे देंगे आप, व्हाट्सएप कर देना। हां लेकर जाना, सब एक ही साथ आइएगा। सारे लेकर पत्नी, हां कैसे बोल रहा हूं, पैसा निकल रहा है? हां पत्नी नाम से नहीं निकल रहा है सब, ऐसा तो मेरे आज ठीक। हेलो, ऊपर किए आप लिख के वो साथ ही भेज दीजिए जी। हां जो भी है आप ही काम करवा रहे हैं? नहीं, कहाँ लगा ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं? मत दिमाग लगाइए ना, आप दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? कैसे शौचालय चलेगा बताइए? देखिए, 10 साल से टूटा फूटा है, इसमें भी देखिए कचरा धरा धरा हुआ है। यहाँ खाना बनता है जरामन, आंगनबाड़ी बोला उसी में जरामन, ना गेट है ना कुछ है। नोटिस से क्या होता है जी? चलो पकड़ के जेल में डालो सब। नोटिस क्या होता है? पैसा भी नहीं दिए हैं, पैसा पूर्ण भी नहीं हुआ है, पैसा बहुत गंदा है। 3 लाख उसमें आपका 3 लाख रुपया निकला है। कहाँ गया पीओ जी? सर अभी जो चबूतरा देखे हैं उसका 2,48,000 निकला मटेरियल में और 71,000 रुपया निकला है लेबर में। 18 की स्कीम है, एक ईटा नहीं है वहाँ पर।
बड़ी घपलाई है। क्या कीजिएगा? वो बना जैसा जैसा सुन रहा है। क्या कीजिएगा? अभी हम जिला जाएंगे, तुम जाएगा थाना, ठीक है? कहाँ जाएगा तुम? थाना जाकर पूरा एफ आई आर करो उस पर। सर ऐसा बात है, यहाँ नाम बदल कर योजना के अति किया जाता है काम, उसी को दूसरा। अब आप लिख के दीजिए, देख लीजिए। देखें सर, और मनरेगा से बहुत सारी ऐसा योजना है जो कि सर नाम बदल दिया गया, जिसे उत्तरवारी मसाड़ी, ई मसाड़ी में है एक चाल है, उसका लाश गड़ने का जगह नहीं, उसमें बिथल रोक दिया गया है, उसको खेल मैदान के बीच नाम से पैसा निकाला है। हाँ तो पढ़ते वेबसाइट पर देख के बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे बात है। जो आदमी सरपंच भी है ना, उसका नाम से भी मनरेगा पैसा निकल रहा थी, गाछ का रोपण लगा, वृक्षा रोपण गलत है। एक सेकंड जा रहा है सर देखने, चलिए ना दिखा देते। कौन जा रही है? कुआ नहीं है सर, वैसे ही प्लेन है। टंकी तो नहीं है सर इसमें, तो डीएम साहब को बोल दीजिए कि डीएम अभी है जी। जी जी स्वच्छता से सर, कुआ सर इसमें नहीं है टंकी सर। थाना में जाकर बनने का क्या कारण? देख ली इतना दूर है तो नहीं बना है सर, सर पैसा निकाले हैं, पैसा दूसरा जगह बना चुका हमको। अगर स्कीम यहाँ का है और नहीं बना है, पैसा निकला तो गलत है, दूसरा जगह उसे मतलब नहीं है। काम समझते करता तो यहाँ बनाने करता वहाँ बन जाएगा, कुछ नहीं। आप देख लीजिए सर हमारे तरफ, अरे वाटर सप्लाई है ये। अरे भाई ये रजिस्टर क्यों करता है? दिक्कत खराब, लिख के दो जोर करना है। ये वो काम देखने दीजिए ना। इसका जो है डीसी साहब, सीआरएस कहाँ है? जादौर को फोटो लेकर वहाँ से जल्दी जाओ, हम खड़ा है यहाँ पर लेकर। स्कीम किस नाम से है जी? कागज हम जल्दी दीजिए, यहीं पर हुई है सर। आवेदन तो घर में। अच्छा रुको, कहाँ गया रवि? मिली गाज के नीचे चौतरा के नाम का स्कीम है, पता करो। अगर नेचर चेंजर काम हो सकता है नहीं तो उसे सर, हम अगर सोलिंग होता तो कोई बात नहीं था। अगले बार उसको सोलिंग कर रहा है, सोलिंग तो एस्टिमेट घट जाएगा, मिट्टी सोलिंग अति मिट्टी।